बड़ी खबर यह है, अतीक और अशरफ की हत्या पर मायावती का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया है, यूपी के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। मौजूदा वक्त में मायावती ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश अब एनकाउंटर प्रदेश बन गया है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सुबह सुबह पूर्व सीएम मायावती की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले, योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, अब 2017 से लेकर अब तक अगर आंकड़ों में हम देखें तो कुल 185 जो अभियुक्त थे वो ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि एनकाउंटर में ज्यादातर लोग मारे गए हैं। यहां पर तो मामला 3 उन गुनहगारों का है जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, यह एनकाउंटर नहीं है। लेकिन मायावती की ओर से सीधे ये कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए, यूपी एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। और इस तरह से यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हुई, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछती हुई मायावती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले, ये कहा है यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी की प्रमुख।